मेरे बॉस ने मुझे बोला कि अमित ये एम्प्लॉय आईडीज हैं, इन सारे एम्प्लॉय आईडीज का मुझे नेम और डिपार्टमेंट फटाफट चाहिए, राइट। तो मैं फ्रेंड्स लग गया ढूंढने मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर एक एक करके। मैंने जल्दी से 1054 को इसके अंदर जाके ढूंढा और वहां से फिर नेम और डिपार्टमेंट कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। एक एक करके फ्रेंड्स मैंने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे वी लुकअप के बारे में नहीं पता था, राइट। तो फ्रेंड्स वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जहां पर आपको ये सारा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक सिंगल फार्मूला आपके इस नेम डिपार्टमेंट या और भी अगर बहुत सारी फील्ड है, राइट, एक सिंगल फार्मूला फ्रेंड्स ये सारे आइटम जितने भी एम्प्लॉई है सबके लिए यहां पर लाकर आपको दे सकता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम अजय। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। एक बहुत ही मजेदार फंक्शन है, कॉर्पोरेट के अंदर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बिना वी लुकअप के, अगर आपको वी लुकअप नहीं आता है यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट। 5 वीडियो की हम लोगों ने सीरीज शुरू की है फ्रेंड्स, आज 3rd वीडियो वी लुकअप का। लास्ट वीडियो फ्रेंड्स मेरा सम सम इफ एंड सम इफ एस के ऊपर था, जिसके अंदर सम के मैंने मल्टीपल फंक्शंस बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। अगला वीडियो फ्रेंड्स पाइवट के ऊपर होने वाला है, वो भी प्लीज जरूर देखिएगा। 5 वीडियोस जो कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, अगर आप कंपनी को अभी ज्वाइन किया है या आप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपके ये 5 वीडियो बहुत काम के होने वाले हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट से वी लुकअप के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहीं पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल एक घंटा होगा, उस घंटी को जरूर दबाइएगा, राइट, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है, कैसे लगाना है वी लुकअप। फ्रेंड्स एम्प्लॉय आईडीज हमारे पास है, मेरे को यहां पर नेम और डिपार्टमेंट चाहिए। मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास एम्प्लॉयज की सारी डिटेल है, राइट। मुझे नेम चाहिए और डिपार्टमेंट, ये 2 कॉलम से डेटा चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल वी लुकअप लगाना है, इक्वल्स टू वी एल डबल ओ के यू पी, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। क्या पूछता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जिसके बेसिस पे मुझे ढूंढ कर लाना है। किसके बेसिस पे ढूंढ के लाना है, एम्प्लॉय आईडी। तो मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो एम्प्लॉय आईडी होगी। मैंने इस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, कोमा, देन क्या पूछता है, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब टेबल की वो रेंज जहां पर मेरे को एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डेटा मिलेगा, राइट। तो वो रेंज कहां है फ्रेंड्स, मेरी मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट एक डिफरेंट शीट में है फ्रेंड्स। वी लुकअप मैं यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपका ये डेटा सेम शीट में है तब भी काम कर जाएगा, ये डेटा जो मेरे केस में डिफरेंट शीट में है तब भी काम करेगा, और यही डेटा अगर डिफरेंट एक्सेल की फाइल में है तब भी ये काम करेगा, राइट। वी लुकअप हर तरह से काम करेगा। तो मैं उस शीट पर जाऊंगा और उस शीट पर लुकअप एरे, राइट, वो मेरे को एरे बतानी है, वो मेरे को रेंज बतानी है। तो मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो एम्प्लॉय आईडी है। तो जिसके बेसिस पे फ्रेंड्स मुझे ढूंढना है वो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट, क्योंकि जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो लेफ्ट से राइट की तरफ सर्च करेगा। जो भी लेफ्ट है, एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट पे लिखा है, तो उसके राइट में जो भी लिखा है उनमें से आप कुछ भी सर्च करवा लो, कुछ भी ढूंढवा लो, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, फोन, लेकिन अगर उसके लेफ्ट पर कुछ भी लिखा है वो नहीं ढूंढेगा। इसीलिए जिसके बेसिस पर ढूंढना है वो लेफ्ट पर होना चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो मेरे को यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करना है, और कहां तक सिलेक्ट करना है, नेम चाहिए, नेम तक। आप इससे आगे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेम तक जरूर करना है, इस रेंज के अंदर नेम आ जाना चाहिए, राइट। तो मैं आगे के कुछ कॉलम ले लेता हूं। फिर मैंने लगाया कोमा, मैंने कोमा लगाया फ्रेंड्स। अब क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है फ्रेंड्स, कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली मतलब कॉलम का वो नंबर जिसके अंदर नेम मिलेगा, कॉलम का वो नंबर जहां पर मुझे नेम मिलेगा। कौन सा नंबर है जी, एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, नेम नंबर 2। तो मेरे को यहां पर क्या देना है, नंबर 2, मैंने नंबर 2 दिया। फिर मैंने कोमा लगाया, क्या पूछता है फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। फ्रेंड्स ट्रू का जो यूज है ना वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा, वहां प्लीज देख लीजिएगा। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, तो हम लोग आज फॉल्स यूज करने वाले हैं, राइट, कि एग्जैक्टली मैच करो एम्प्लॉय आईडी को और मुझे रिजल्ट दो, राइट। तो एग्जैक्ट मैच मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फॉल्स। फॉल्स की जगह फ्रेंड्स मैं 0 भी लिख सकता हूं, ट्रू की जगह मेरे को 1 लिख सकता हूं, जब हम ट्रू यूज करेंगे तो 1 भी लिख सकता हूं उसकी जगह, फॉल्स की जगह शॉर्टकट में 0 लिख सकता हूं, तो मैं यहां 0 लिख देता हूं, एक ही बात है, ठीक है जी। मैंने 0 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरे पास नाम आ गया सुखदेव सिंह। मैंने इसको कॉपी किया और इसको फ्रेंड्स मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स, तो मेरा ये सारा रिजल्ट आ गया। अभी फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट भी मुझे चाहिए। डिपार्टमेंट के लिए फ्रेंड्स मैं दोबारा फॉर्मूला लगा लूंगा, इक्वल्स टू वी एल डबल ओ के यू पी, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। क्या है मेरी लुकअप वैल्यू फ्रेंड्स, मेरी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे फॉर्मूला लगाना है। मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोमा लगाया,
फिर क्या पूछता है फ्रेंड्स, टेबल एरे, टेबल की वो रेंज जहां से डेटा मिलेगा, कहां मिलेगा जी, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, यहां से मैंने एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करना है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरा मेन बेस है जिसके बेस से सर्च कर रहा है, राइट। एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट तक मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं आगे भी सिलेक्शन कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिलेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है जी। कोमा, देन क्या पूछता है फ्रेंड्स, देन पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का वो नंबर जहां पर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉय आईडी नंबर वन, नेम नंबर टू, डिपार्टमेंट नंबर थ्री, तो मेरे को नंबर थ्री, यहां पर नंबर थ्री लिखना है, कोमा, एंड देन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स मेरे को चाहिए, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, राइट, एग्जैक्ट मैच फॉल्स, तो मैं यहां पर फॉल्स भी लिख सकता हूं या जीरो लिख सकता हूं, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और एंटर किया। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसने मेरे को ऑर्डर मैनेजमेंट डेटा दे दिया, राइट। और यहां पर फ्रेंड्स मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो मेरे पास कॉपी पेस्ट किया नीचे तक, मेरे पास सारे आइटम्स के, सारे एम्प्लॉइज के मेरे को डिपार्टमेंट भी मिल गए फ्रेंड्स। इजीली मेरे को किसी डेटाबेस के अंदर से कुछ किसी बेसिस पे सर्च करके लेकर आना है, राइट, काफी सारे आइटम्स का, तो मेरे को उसको वन बाय वन ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फ्रेंड्स मैं VLOOKUP यूज कर सकता हूं और सारे डेटा को एक साथ लेकर आ सकता हूं। तो आई होप फ्रेंड्स फंक्शन पसंद आया होगा, आई होप आपके काफी काम का होगा, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, बिना इस फॉर्मूले के यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।